टी स्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कक्षा दसवीं गणित, और कक्षा दसवीं गणित का त्रिकोणमिति मतलब एट्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा, हर एक एग्जांपल को सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से क्वेश्चन को समझा। और बच्चों के जो कमेंट्स आए वो एक अल्टीमेट कमेंट्स थे कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया, वो सारी बातें ठीक है, हमने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है। लेकिन त्रिकोणमिति यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है कि केवल त्रिकोणमिति अनुपात तक यहाँ पर काम हो जाए, त्रिकोणमिति तो विशाल है, मतलब और भी आगे बहुत कुछ हमें पढ़ना है। और इसी के आगे देखेंगे कि अगला टॉपिक बनता हमारा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्लास टेंथ में हमें विशिष्ट कोण पढ़ना है, कुछ विशेष प्रकार के कोण पढ़ना है, और उसके बाद में जैसे ही हम इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे कोणों के बारे में हमें वहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और आपको इसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, आप 100% गेन कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास भी है। बस यही बात आपको भी विश्वास रखना है और अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ जाने वाला है मेरे से। चलिए ठीक है, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। विशिष्ट कोण क्या है? तो कुछ विशेष प्रकार के कोणों की बात की है टेंथ क्लास में जो हमारे सिलेबस में है, और वो कोण है शून्य अंश और 90 अंश। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है कि क्लास टेंथ में न्यून कोण के लिए हमें हल करना है। तो शून्य अंश से लेकर 90 अंश के बीच में शून्य और 90 भी शामिल रहेगा इसमें, और बीच में हो गया 45 अंश, और इसी के साथ में 30 अंश और 60 अंश, कितने कोण हो गए? 5, 0, 30, 45, 60 और 90। ये विशिष्ट कोण है और इसके बारे में हमें टेंथ क्लास में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये विशिष्ट कोण क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि हमने जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं, कितने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं। कितने? 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हुए, और वो कौन से थे? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमने पढ़े हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इनके मान क्या होते हैं? तो टेबल को आपको बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, अगर फर्स्ट टाइम आप अगर इसको देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा टेबल और पता नहीं अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान काम है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा और 5 मिनट में ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि कैसे याद हो जाएगा सर, ठीक है तो मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन मेरा सिद्धांत ये बोलता है कि ट्रिक से तो आप तुरंत याद कर लोगे, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो लाइफ टाइम ये याद हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज़ कैसे आई, ये वाली जो चीज़ बनी हुई है वो कैसे बनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, और बच्चे इसी बात को मिस कर जाते हैं। बच्चों को चाहिए 60 कट, सर मुझे तो एक ऐसा जादू बताइए कि ये पूरा टेबल याद हो जाए, और हो भी जाएगा, मैं बताऊंगा भी, जादू भी बताऊंगा। लेकिन जादू से पहले मैं आपको पूरी इसकी टेक्निक बताऊंगा कि ये वास्तव में बना कैसे, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। मैं आपको फिर भी ये बता दूं कि एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है कि भाई ये टेबल बना कैसे, ठीक है, लेकिन हमें खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमें संतुष्टि होना चाहिए कि वास्तव में हमने जो याद किया वो बना कैसे। ये बोलना क्या चाह रहा कि साइन 0 अंश का मान कितना होता? तो 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता? तो 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता? तो 1/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता? तो 3/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता? तो 1। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है, और याद रखने की मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। लेकिन आया कहाँ से, इस बात को जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है,
इस बात को जानना जरूरी है। तो हम यही से बात करते कि हमारे पास में जो त्रिकोणमिति अनुपात है कौन से है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास में तो एक तो साइन थीटा है, कास थीटा है, क्या है, कास थीटा, टेन थीटा, सेक कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये छह त्रिकोणमिति अनुपात है, छह के अलावा कोई त्रिकोणमिति अनुपात होता ही नहीं है, केवल छह ही त्रिकोणमिति अनुपात है। और ये बात हमें याद भी होना चाहिए, तो हमने याद भी कर ली है पिछले वीडियो में जब हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, तो इसको याद कर लिया था। यहाँ पर भी मैं थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा के बिना, यानी कि कुछ उस कोण के, न्यून कोण के बिना इसका महत्व अधूरा है। एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें कि जो साइन थीटा कास थीटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहे हैं, तो किस कोण को ज्ञात किया जाए, तो मैं पहले निकालता हूँ 45 अंश। थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 अंश होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं तो उसमें क्या संभव है कि न्यून कोण 45 अंश का हो। भाई मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला कोण कितने अंश का है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला कोण तो 90 अंश का है। और मैं आपसे पूछूंगा कि ये कोण और ये कोण दोनों का योगफल कितना है, तो आप बोलोगे कि दोनों का योगफल 90 अंश है। मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और जब ये 90 अंश का है तो बच गया हमारे पास 90, तो ये दोनों का योगफल 90 अंश होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। यदि मान लिया जाए मेरे पास में ये कोण 45 अंश का है, तो ये वाला भी कोण 45 अंश का होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा, 45 और 45 90, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा हम नाइन्थ क्लास की ओर बढ़ेंगे, और नाइन्थ क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, और है इसमें, ये भी 45 अंश का, ये भी 45 अंश का, दो कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती है, यानी कि ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखना फिर से और एक बार, कोई भी दुनिया का कैसा भी त्रिभुज ले लो आप, अगर उस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना। हाँ बिल्कुल बना। मैं इसका नाम दे देता हूँ आपको, जो नाम देना है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो नाम देना है आपकी मर्जी वो नाम दे दो। मुझे एक बात बताइए कि इस भुजा का कुछ ना कुछ मान होगा कि नहीं होगा, 5 इकाई, 7 इकाई, 3 इकाई, 4, अरे कुछ ना कुछ तो होगा, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी कि नहीं। हाँ होगी। और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी लंबाई होगी, मान लिया जाए ये इकाई है तो इसकी भी इकाई ए होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ए क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, सर 5 क्यों नहीं लिया, 10 क्यों नहीं लिया। अरे कुछ भी ले लो, उसके जगह मैंने ये ले लिया, अब ये के जगह आप जो रखना चाहो वो रखो, है ना। तो ये अगर जितना भी लंबा होगा, ये आधार जितना लंबा होगा उतना ही लंब भी लंबा होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया। आपको मालूम है कि ये क्या है, इसका कर्ण है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हो, दो भुजाओं के मान मालूम है आपको और तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम, तो क्या करते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाते, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब तक हम तीनों भुजाओं के मान नहीं बता पाएंगे तब तक इनके मान निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, और इसमें लगाता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना ही लगाना है। कब लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, जब, याद रखना ये मैं जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ये बहुत बड़ी बातें हैं,
जब भी आपको दो भुजा समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के मान मालूम है, तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। ये बात को याद रखना, गांठ बांध लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर से ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी का मान तो हमें मालूम ही नहीं है, हम तो ज्ञात करना चाह रहे हैं। ए बी का मान है ए, तो ए का वर्ग धन ए का वर्ग। बी सी का भी मान ए ए है। ए सी का स्क्वायर बराबरी से ए का वर्ग और ए का वर्ग, एक ए का वर्ग और एक ए का वर्ग। अरे एक आम और एक आम कितने हो गए, दो आम हो गए। एक अमरूद और एक अमरूद कितना होगा, दो अमरूद हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक जैसा है तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए का स्क्वायर। तो ए सी बराबर इसे कितना होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ वर्ग है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल दो ए का वर्ग। आप में से कोई एक आध बच्चा बोलेगा कि सर जब भी वर्गमूल लेते हैं तो यहां पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहां प्लस माइनस आएगा, धन ऋण आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि हम एसी का मान ज्ञात कर रहे हैं और एसी क्या है, एक लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, धनात्मक ही लेके चलना पड़ेगा। और एसी बराबर से आपके पास आ जाएगा वर्गमूल दो, और ए का वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा। मतलब आपके पास एसी का मान आ गया वर्गमूल दो ए। अगर मैं इस कोण के लिए हल कर रहा हूं, 45 अंश के लिए हल कर रहा हूं, आप तो बोलेंगे कि ये भी 45 अंश है, हाँ किसी के लिए भी हल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 45 अंश का है, मैं ए को थीटा मान रहा हूं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बिल्कुल सही है बात, और 90 डिग्री के बीच की भुजा आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपके मन में अगर ये आ रहा होगा कि सर ये भी तो 45 अंश का कोण है तो इसको लंब बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं तो बराबर है ना, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या थीटा लिख रहे थे, यहां पर थीटा के जगह अब कोण का मान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोण का मान। भाई कोण का मान कितना है, 45 अंश है, हाँ बिल्कुल 45 अंश है, तो मैं यहां पर लिखता हूं साइन 45 डिग्री, कास 45 डिग्री, टेन 45, कॉट 45 और सेक 45 और कोसेक 45, इनके मान क्या हो गए। तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान काम है, हमें तो ये फार्मूला मालूम है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कोण है ये, रूट टू ए हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा, एक बटे वर्गमूल दो, इतना आ गया। कास 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि आधार बटे कर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। आधार कौन है, ये है, और ये क्या है, कर्ण, वर्गमूल दो बटे ये, तो यहां पर भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो एक बटे वर्गमूल दो हो गया। टेन ए क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो लंब, बस देखिए जो फार्मूले हमने शुरू में पढ़े थे ना, वो फार्मूले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो पता लगा कि आप तो बोलेगी सर हमें तो मालूम ही नहीं है कि टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, मालूम ही नहीं है, तो फिर ये बातें समझ में थोड़ी आएगी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वो त्रिकोणमिति वाला पहले चैप्टर हुई चलना है आपको आगे, और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। मैंने टेक्निक भी बताया था कैसे बने, ये भी बताया था, और उसको याद कैसे रखना ये भी बताया था। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है बताइए, तो ये है, आधार का मान कितना है, ये है, तो ये बटे ये तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब कॉट थीटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब ए बटे ये, और ये भी कितना हो जाएगा, एक। सेक 45 डिग्री, आपको ज्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है, कास को पलटा दो, कास को पलटा देंगे तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा कि यानी कि वर्गमूल दो बटे एक।
और कोसेक का मान इसको पलटा देंगे तो वर्गमूल 2, ये भी बात बताई थी मैंने। अब आप देखिए कि आपके पास में एक टेबल बन चुका है 45 डिग्री, मतलब सारे 45 डिग्री पर एक टेबल बन चुका है। इसकी एक बार जांच कर लेते कि ये सही है कि नहीं है। आप यहां पर देखिए कि 45 अंश साइन 45 अंश का मान 1/2 वर्गमूल 2 आ गया, कास 45 अंश का मान इतना आ गया, टेन 45, कॉट 45, 45 ये हो गया। देखिए पूरे के पूरे मान आ चुके हैं आपके पास, पूरे के पूरे मान यहां पर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि हमने इसको, इसके लिए इसको हल कर दिया। हम देखेंगे कि 30 अंश, कौन सा 30 अंश और 60 अंश के मान कैसे ज्ञात किए जा सकते। बात को जरा ध्यान से समझते जाना, ये मौका आपको डबल नहीं मिलेगा। कौन सा मौका, मतलब सूत्र बने कैसे, ये बात। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी तो छोटी सी ट्रिक है ना, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। बिल्कुल आएगा डायरेक्ट, लेकिन उसका कोई बेस नहीं है, है ना। वो मैं भी बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के द्वारा पूरा टेबल भी याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया मस्त ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन ये बातें आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अब 30 अंश और 60 अंश के लिए मैं क्या करता हूं, समबाहु त्रिभुज बना देता हूं। क्या बना देता हूं, समबाहु त्रिभुज बना देता हूं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं, सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो सारे कोण बराबर मतलब 60-60 अंश के सारे कोण हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। मैं क्या करता हूं, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष से, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल देता हूं, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया। तो ये लंब क्या करता है, ये वाला कितने अंश का कोण था, 60 अंश का, ये वाला कोण क्या था, 60 अंश का था। तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो ये कितने कितने अंश के हो जाएगा, ये पूरा 60 अंश का था तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात इतनी, अब सुनिए जरा, ये बन गया 90 अंश का कोण। अब मुझे एक बात बताइए कि 30 अंश और 60 अंश के कोण में बनाना चाह रहा हूं तो बन गए ना, कहां पर बन गए, ये इधर वाला, इधर वाला त्रिभुज देख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूं तो और मजा आ जाएगा। इस त्रिभुज की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये येलो वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो इसका ये 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के थे, ए भी 60 का, ए भी 60 का, ए भी 60 का था, तो आधा कर दिया तो ये कितना हो गया, 30 अंश का हो गया। चलिए ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी इसकी, हाँ बिल्कुल तीनों भुजाएं बराबर होगी। मतलब इस भुजा को मैं कुछ मान लेता हूं, मैं क्या करता हूं 2a मान लेता हूं, तो ये वाली भी भुजा क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर पिछले बार तो आपने ये माना था, अब 2a क्यों माना, 2a का कारण है, मैं यहां पर क्या है, मेरे पास में ये भुजा की आधी भुजा हो गई तो ये लिखना आसान हो गया भाई, ये भी ये होगी और ये भी ये होगी, पूरी कितनी है, 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरा 2a का मतलब क्या था कि मुझे गणना कम करनी पड़े, अदरवाइज अगर मान लिया जाए, आपने इसको ये मान लिया तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, तो ये 1/2 हो जाएगी, ऐसा भी मान सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा 1/2 आएगा तो यहाँ पर पाइथागोरस में आपको गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, 2a यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ये 2a है और ये क्या है, ये है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई यहाँ पर सारे, और एक बार बिल्कुल सारांश में, सारे कोण 60 अंश के, ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60, तो 60 का आधा 30 हो गया,
ये वाली भुजा दो, ये भी भुजा दो, ये भी भुजा दो, ये तो दो ये की आधी भुजा ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ मैं ए बी, और इसका नाम सी दे देता हूँ, और इसका नाम डी दे देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसा नाम दे दिया। हमें इधर वाले से कोई लेना देना नहीं, अभी हम इधर की बात करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो केवल समकोण त्रिभुज के लिए यूज की जाती है। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, किसकी बात कर रहे हैं, 60 अंश की। मुझे एक बात बताइए कि जब आप 60 अंश लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, 60 अंश की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या बन जाएगी, आधार बनेगी, और ये कर्ण बनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैं 60 अंश के लिए कर रहा हूं यहां पर, 60 अंश 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, अच्छा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है ये तो जानना चाह रहे। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है, वर्गमूल 3a, और कर्ण कितना है, 2a है, तो ये हो जाएगा रूट 3a डिवाइडेड बाय 2a, और a से ये कैंसिल तो रूट 3/2। आसान काम है। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो a बटे 2a क्या हो जाएगा, a बटे 2a, और a से ये कैंसिल हो गया तो 1/2 बज गया। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना है, वर्गमूल 3a/a, तो a से ये कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अच्छा कॉट का मान क्या होगा, तो इसको पलटा दो, इसके बटे में 1 है ना, वर्गमूल 3/1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/1, लिखने की जरूरत नहीं, और 2/√3। आप इससे भी निकाल सकते हैं, और साइन को पलटा देते तो कोसेक बन जाता है, कास को पलटा देंगे तो सेक बन जाता है, टेन को पलटा देंगे तो कॉट बन जाता है। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/√3 हो जाएगा ऐसा। तो हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है, क्या आ चुका है, इसके मान आ चुके हैं। देखिए आप देखिए 60 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, देखिए 60 अंश मिलाते जाइए उधर से, वर्गमूल 3/2, 1/2, वर्गमूल 3, 1/√3, 2 और 2/√3 आ गया कि नहीं। तो ऐसा हमने ये 60 अंश के मान निकाल लिए, 45 अंश के तो पहले निकाल लिए थे हमने, अब 30 अंश के मान देखते हैं हम, इसको याद रखने का तरीका हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसी के द्वारा मैं क्या करता हूं, 30 अंश के मान यहां पर जांच करते हैं, उसके लिए करने की हमें आवश्यकता नहीं है। 30 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअल होता क्या है, ये टेबल तो याद हो जाता है, लेकिन आया कहाँ से ये बात को जानना बेहद जरूरी होता है, इसीलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब आपके मन में कोई कलंक नहीं होना चाहिए, अरे हमने तो डायरेक्ट रट लिया था, आया कहाँ से, तो उसका प्रमाण, ये हम प्रमाण देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे की बात कर रहे हैं हम, अब 30 अंश की बात कर रहे हैं, तो ये है 30 अंश। मुझे एक बात बताइए कि ये थीटा अगर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को ही आधार बोला जाता है। और ये बातें अगर नहीं मालूम तो आपको पहला वीडियो देखने की आवश्यकता है, शुरू से आपको देखने की जरूरत है। और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि लंब बटे कर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब का मान a है और कर्ण का मान 2a है, तो ये हो जाएगा 1/2। cos 30 डिग्री,
आधार बटे कर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। और आधार का मान क्या है, रूट थ्री ए बटे टू ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। टेन थर्टी डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि ए बटे वर्गमूल तीन ए, और ए से ए कैंसिल, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा एक बटे वर्गमूल तीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए से ए कैंसिल। काट का मान क्या होगा, तो इसको पलटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल तीन बटे एक। सेक का मान क्या होगा, तो इसको पलटा देंगे तो दो बटे वर्गमूल तीन, और इसका मान कितना होगा तो दो होगा। तीसरा टेबल तो फटाफट आ गया हमारा, एक ही डायग्राम से तीसरा टेबल आ गया, और जांच भी कर लेते हैं। एक बटे दो वर्गमूल तीन बटे दो, एक बटे वर्गमूल तीन, ये तीस अंश के है ना, वर्गमूल तीन, दो बटे वर्गमूल तीन और दो, बस हमारे पास में अभी ये तीन मान आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है, और आपको इसको प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए जाना है। अब आगे की बात कर, अब हम करेंगे जीरो डिग्री और 90 डिग्री, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है जीरो डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, आप देखना कैसा मजा आएगा इसमें। जीरो डिग्री मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा, विथ प्रूफ प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि ये जीरो डिग्री और 90 डिग्री के मान कैसे आते हैं, और मेरे पास में प्रैक्टिकल के लिए स्मार्ट बोर्ड है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ, ये थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा सीधा भी कर देता हूँ, ये हो गया, हाँ, इसका नाम ए दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई लेना देना नहीं है, ए बी सी। आपको मेरे ख्याल से शायद दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर 90 अंश का कोण दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है ना, छोटा सा लिखा है, 90 अंश है ना कि समकोण त्रिभुज है, चलिए ठीक है। मुझे जीरो डिग्री की वैल्यू निकालना है, बड़ी अजीब सी बात है यार, जीरो डिग्री कैसे होगा ये, हाँ, ये वाला जीरो डिग्री होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये थीटा का मान कितना होना चाहिए, जीरो डिग्री होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो डिग्री, अभी दिख तो नहीं रहा जीरो डिग्री, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये शून्य अंश, अरे ये 45 के लगभग दिख रहा मुझे तो, है ना, ये क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। अब मजेदार बात देखना आप, यहाँ पर मुझे इसको जीरो डिग्री बनाना है, भुजाओं की लंबाई पर ध्यान देना आप, लगभग मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी आपको, ये बड़ी दिख रही होगी, ये सबसे बड़ी भुजा है, और आपको मालूम है कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब जादू देखना, मैं इस को नीचे ला रहा हूं, देखिए 42 अंश है, 41, 35, ये कम हो रहा क्या ये, अरे ये वाला कौन कम हो रहा कि नहीं हो रहा ये बताओ मुझे, हाँ कम हो रहा ना, और कम हो गया, 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 जीरो डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। आप बोलेंगे कि सर ये तो त्रिभुज ही नहीं बना, हाँ त्रिभुज नहीं बना, एक सरल रेखा दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ी सी कल्पना कर सकते हम कि ये समकोण त्रिभुज है, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। अच्छा कल्पना करने से क्या हुआ भाई, जो ये कर्ण था ना इधर वाला, ये ऐसा ऐसा कम होते 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 आधार के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, आधार के बराबर, कर्ण का मान आधार के बराबर हो गया जब इसको जीरो बनाया मैंने। और एक बार दिखाऊं, और एक बार देखना, अपने पास में क्या है टूल्स है, तो कितने भी बार देखो कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी यहाँ पर देखना ये कौन बड़ा है ना, आधा लंब कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये कर्ण, ये दोनों भुजाओं की अपेक्षा बड़ा है, देखना अभी क्या हो रहा, मैं इसको
कोण को छोटा बना रहा हो, कोण छोटा होते जा रहा, लेकिन लंब भी छोटा होते जा रहा, देखिए, और कर्ण भी छोटा होते जा रहा। अरे लंब तो बिल्कुल छोटा सा हो गया, अब लंब तो खत्म ही हो गया, और कर्ण जो था, कर्ण ये इधर इतना बड़ा था, कर्ण ये आधार के बराबर बन गया। जब सुन लो, जब थीटा का मान शून्य हो, शून्य डिग्री हो, तब लंब का मान कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे। लंब का मान भी जीरो इकाई हो जाएगा। जब ये छोटा सा शून्य होगा तो ये लंब तो गायब ही हो गया। अच्छा, जो कर्ण था ना, कर्ण आधार के बराबर बन गया। कर्ण जो है वो बन गया आधार के बराबर। और मान लिया जाए कि कर्ण अगर ये है तो आधार भी कितना हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा। ये है, जीरो मत मान लेना इसको। मतलब कर्ण जब ये शून्य अंश होता है तब कर्ण जो होता है वो आधार के बराबर बन जाता है। जितना बड़ा आधार रहेगा उतना ही बड़ा कर्ण बन जाता है, और लंब शून्य हो जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि साइन शून्य अंश का मान कितना होगा, कास शून्य अंश का मान, टेन शून्य अंश का मान, कॉट शून्य अंश का मान, ये शून्य अंश इनके मान क्या होंगे। तो बड़ा आसान काम है। आप बोलोगे कि सर हम सब जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है शून्य और कर्ण कितना है ये। और आपको मालूम है कि शून्य में दुनिया की कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य हो जाता है। शून्य को किसी भी संख्या से, शून्य को छोड़कर, शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य हो जाता है। अच्छा, कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार भी ये है और कर्ण भी ये, तो आधार बटे कर्ण मतलब ए बटे ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है शून्य और आधार कितना ये, तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो गया, शून्य बटे ये, और शून्य में कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य ही हो जाता है। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार कौन है ये है, और शून्य लंब है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो ये क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा चिन्ह होता है इसका, जो आठ लिखते हैं ना हम आठ, उसको आड़ा कर दो तो ये अपरिभाषित हो जाता है। नहीं आई बात समझ में, ये कॉट को मतलब किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित क्यों होता है, देखे देखो क्या मैं, चलो किसी भी संख्या को मतलब मैं तीन को शून्य से भाग देता हूँ, शून्य साती शून्य बज गया तीन, शून्य नम शून्य बज गया तीन, शून्य आठी शून्य बज गया तीन, अरे ये बचते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। मतलब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, नहीं बता सकते, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है ना। मतलब आप बता नहीं सकते, अपरिभाषित में समय क्या बोलते, इतनी बड़ी संख्या बता ही नहीं पा रहे, कितनी बड़ी संख्या आएगी क्या आएगी ये बता ही नहीं पा रहे, उसी को अपरिभाषित कहा जाता है। अच्छा, अब सेक, सेक देखा जाए तो कास का उल्टा होता है, ये एक बटे एक है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बटे एक मतलब एक हो जाएगा। साइन, साइन ये शून्य बटे एक मान लिया जाए तो एक बटे शून्य हो जाएगा, मतलब ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। या तो फिर ऐसा समझिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब, कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण का मान कितना है ए और लंब का मान कितना है शून्य, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक मान फिर आ गया और अपन कंप्लीट की ओर बढ़ते जा रहे,
कंप्लीट की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखना जरा अपने बाण आगे क्या, 010 अपरिभाषित, G1 और अपरिभाषित आ गए। तो ये टेबल बनते हुए जा रहा हमारा। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के लिए, मतलब इसके लिए देखेंगे हम 90 डिग्री के लिए। मजा आया कि नहीं इसमें? और इस बात में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो अभी कंफ्यूजन फिर से दूर कर देता हूं मैं, क्योंकि 90 अंश के लिए भी हमें यही काम करना है। किसके लिए? 90 अंश के लिए भी यही काम करना है। मान लिया जाए कि ये क्या है, 90 अंश का कोण है। आप बोलोगे कि हो ही नहीं सकता सर ऐसा, तो थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये 90 अंश का कोण कब हो सकता है, कब हो सकता है देखना, मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं इसको इधर की ओर, कोण बढ़ते जा रहा, देखिए 48 50 हो गया, ये हो गया 53 56 60 60 65 70 80 80 और ये 90, ये हो गया भैया 90 अंश का कोण। अरे यहां पर जो कोण था वो बढ़ते 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 90 अंश का हो गया। लेकिन कमाल क्या हुआ, कमाल क्या हुआ, ये 90 अंश का कोण है तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने इसको इधर की ओर और एक बार करके दिखाता हूं ना, एक बार में अपने पास टूल है तो 10 बार करके देख लो। अरे ये कोण का मान बढ़ते जा रहा, लेकिन ये आधार खत्म होते जा रहा ना, आधार छोटा होते जा रहा, आधार छोटा होते जा रहा। देखो फिर से, आधार इतना बड़ा था तो आधार क्या हो रहा, छोटा होते जा रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आधार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो कर्ण इतना बड़ा था वो कर्ण छोटा होते जा रहा, छोटा होते जा रहा, और जब ये कोण 90 अंश का हो जाएगा तब कर्ण जो है वो लंब के बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि आधार का मान क्या हो जाएगा, जब जब थीटा का मान 90 अंश होगा, ये वाला 90 अंश हो जाएगा, तब आधार गायब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, गायब, गायब मतलब जीरो डिग्री। और कर्ण का मान जो होगा ना, कर्ण का मान हो जाएगा लंब के बराबर, होगा कि नहीं होगा। और दोनों का मान मैं मान लेता हूं कि ये है तो ये मान लेता हूं, तो लंब भी ये हो जाए। अच्छा आप बोलोगे कि सर ये क्यों मान, अरे आपकी जो मर्जी वो मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, 8 मान लो, 15 मान लो, जो मानना है वो मान लो, एक से मान लो, वाय मान लो, कुछ भी मान लो। तो कर्ण का मान और लंब का मान क्या है, दोनों का बराबर हो जाता है जब थीटा का मान, कर्ण का मान और लंब का मान क्या हो जाता, बराबर हो जाता। करके दिखाया ना मैंने, ये 90 अंश का जब होगा तब ये, तब अब ये वाले मान क्या हो गए 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 और 90, क्या होगा साइन 90 डिग्री लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है आपके पास में, ये, और कर्ण का मान कितना है वो भी ये है, तो ये से ये कैंसिल, तो कितना बचा 1। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है शून्य, और कर्ण क्या है ये, याद रखना कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य हो जाता है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब लंब का मान कितना है बताओ जरा ये, और आधार का मान कितना है, आधार का मान शून्य, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित हो जाता है। इसको पलटा देंगे
तो क्या हो जाएगा, शून्य बटे ये, और शून्य बटे ये का मतलब क्या है, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य हो जाता है। इसको पलटा देंगे तो ये सेक बन जाता है, कास को पलटाएंगे तो ये बटे शून्य, और किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको पलटा देंगे तो ये बटे ये ही रहेगा और इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये लो हमारे पास में फिर टेबल बन के आ गया। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसका मान क्या आ जाएगा। तो देखिए टेबल बन चुका है, 90 डिग्री का मान, वन मिलाते जाना, वन जीरो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित, शून्य, अपरिभाषित और एक। तो क्या ये टेबल बन चुका है? हाँ, आपका आंसर है बन चुका है। मतलब सारे आज के बाद में हमसे कोई भी कुछ भी पूछे, ये नोट करते हुए चले जाना आप एक बार, आज के बाद में आपसे ये पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो टेबल बना है वो कैसे बना है, तो आपको सर नीचे झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं। कोई मान लिया जाए, किसी चाचा ने पूछ लिया अपने से, अच्छा बेटा तुम 10th में पढ़ते हो, हाँ ये टेबल बताओ कैसे आया, नहीं हमें तो ऐसा नहीं बताया था। अब आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये टेबल कैसे बना हम बता सकते, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना आसान हो जाएगा। मेष में क्या होता है कि जितने भी सूत्र है ना, वो सूत्र बने कैसे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बारी आ गई इसको याद कैसे रखना है, तो चुटकियों का काम है। हम इतने देर से पढ़ रहे वो टेबल कैसे बना, अब पढ़ रहे हम इसको याद कैसे रखना है। अब देखना कैसे याद रखेंगे, आपको गिनती आती है तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी है। मैं आपसे बोलूँगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे कि ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, शून्य एक दो तीन चार, ये पूर्ण संख्या और आगे भी आती है, हमें आगे से लेना देना नहीं है, चार तक ही लिखना है पूर्ण संख्या आपको। कहाँ तक लिखना है, चार तक लिखा तो फिर एक काम करो ना, चार से भाग भी दे दो इसको। ये याद रखने की ट्रिक है। सब पर वर्गमूल का चिन्ह भी लगा दो और इसको हल करके देख लेते हम। शून्य को चार से भाग देंगे तो शून्य, और शून्य का वर्गमूल शून्य हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। एक का वर्गमूल एक और चार का वर्गमूल दो, दो से दो बार कैंसिल तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा वर्गमूल दो, एक का वर्गमूल एक और वर्गमूल दो, वर्गमूल दो। तीन का वर्गमूल होता ही नहीं है तो वर्गमूल तीन, और चार का वर्गमूल दो होता है, और चार से चार कैंसिल तो एक और एक का वर्गमूल एक। ये लो साइन का मान आ गया, देखो शून्य एक बटे दो, एक बटे वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन बटे दो और एक, साइन का मान आ गया, याद हो गया। जीरो वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन, साइन जीरो डिग्री जीरो, वन बाय टू थर्टी डिग्री, वन बाय टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री, वन बाय रूट टू और साइन सिक्सटी डिग्री, रूट थ्री बाय टू और ए वन हो गया। ऐसा आपको याद रखना है। अब देखिए इसको पलटा के लिख देता हूं मैं, पलटा के तो एक वर्गमूल तीन बटे दो, उल्टा लिख रहा हूं इधर से लिखते हुए जा रहा हूं, एक बटे वर्गमूल दो, एक बटे दो और शून्य। ये लो कास का मान आ गया, देखो मिला लो, कास का टेबल बन गया। आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। इसको इससे भाग दे दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। शून्य को एक से भाग देंगे तो शून्य, ये दो से दो कैंसिल तो एक बटे वर्गमूल तीन, इससे ये कैंसिल तो एक बार भाग गया, और ये दो से दो कैंसिल तो वर्गमूल तीन, और एक को शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित। किसी भी संख्या को एक से भाग देंगे तो, शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित। लो टेन का टेबल बन गया, देखो बन गया कि नहीं। अब इसको उल्टा लिख लो, तो उधर से लिखते हुए आ रहा हूं मैं, वर्गमूल तीन एक, एक बटे वर्गमूल तीन और शून्य। ये लो कॉट का टेबल बन गया, कॉट का टेबल बन गया, हाँ
अब क्या करो, जो काश था ये काश था, काश को क्या करो दो, पलटा दो, इसके बटे में कौन है, एक है, इसके भी बटे में कौन है, एक है, इसको पलटा देंगे तो एक, इसको पलटा देंगे तो दो बटे वर्गमूल तीन, और इसको पलटा देंगे तो वर्गमूल दो, और इसको पलटा देंगे तो दो, और इसको पलटा देंगे तो एक बटे शून्य, यानी कि अपरिभाषित, शून्य से एक को भाग देंगे तो अपरिभाषित, पलटा देंगे ना इसको, एक बटे शून्य हो जाएगा। देखो ये वाली लाइन बन गई, इसको पलटा दो तो एक बटे शून्य हो जाएगा यानी कि अपरिभाषित, इसको पलटा दो तो दो, इसको पलटा दोगे तो वर्गमूल दो, और इसको पलटा दोगे तो दो बटे वर्गमूल तीन और एक। आप चाहो तो इसको इधर से भी लिखते हुए चल सकते, तो ये आ जाएगा, तो ये बन गया कोसेक का। मैंने आपको बताया था कि केवल 5 मिनट लगेंगे इस सारे फार्मूलों को याद करने में। आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि सर जब हमें इन फार्मूलों को याद करना है तो क्या ये वाली घटना हमें करना पड़ेगा, ऐसी सब एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो नहीं। अब इस बात को जरा गौर से याद रखना, साइन ए का मान आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से, शून्य, एक बटे दो, एक बटे वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन बटे दो और एक, ऐसा याद होना चाहिए, ये वाली पूरी लाइन याद होना चाहिए, शून्य, एक बटे दो, और एक बटे वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन बटे दो और एक। ये वाला तो एक जैसा ही होता है काश में, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ऐसा याद रखना है आपको, ये दोनों लाइन याद हो गई। हाँ, इसके बाद 10 का मान बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से, दुनिया का सबसे छोटा नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, अगर हम ऋणात्मक को छोड़ दे तो, दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, और बीच में आ गया एक, हो गया याद 10 का। अरे ऐसा याद रखना है तब प्रश्नों को फटाफट करोगे, और ये एक्टिविटी बच्चे बोलते नहीं सर हमें तो ट्रिक मालूम है, हम ट्रिक से ही करेंगे, तो फिर एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो 10 मिनट बर्बाद करना फिर आप इस ट्रिक के मामले में, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और 10th में वैसे ही टाइम की कमी आती। तो आपको इसलिए साइन का मान अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसको इधर उधर घुमाते आना चाहिए। 10 का मान आपको ऐसा, 0 अनंत नॉट डिफाइंड, 1 यहाँ पर एक बटे वर्गमूल तीन आता तो यहाँ पर वर्गमूल तीन आता, ऐसा दिखना चाहिए आपको। ये वर्गमूल तीन यहाँ चला गया, ये इधर चला गया, ये तो सेम रहेगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस हो गया काम। आपको कास का मान मालूम है तो इसको पलटा दिया तो ये, 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 इसको पलटा दिया तो ये। साइन का मान मालूम है, इसको पलटा दिया तो ये, इसको पलटा दिया तो ये आ गया, इसको पलटा दिया तो ये, 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 ये। मैंने ऐसा ही याद किया है, और जब भी जिसकी भी जरूरत पड़ती तुरंत खड़ाक से मैं बताता, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करता हूँ। ये मान मुझे अच्छे से याद है, 10 का मान अच्छे से याद है, तो मैं इधर घुमाते फिराते आता है और वैसे ही हम यहाँ पर काम करते। ये अगर टेक्निक लगाओगे तो सबसे बेहतर, दुनिया की सबसे अच्छी आइडिया है। इसके बिना प्रश्न नहीं बनने वाले, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। पहले आपको यही काम करना है, और इसीलिए हम वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगला वीडियो आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें याद, दिमाग में पिक्चर बनाना है कि हाँ इसका मान ये होता है, बस। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके उदाहरण, सारे उदाहरण और सारे क्वेश्चन के साथ, सारे क्वेश्चन भी करेंगे, सारे उदाहरण भी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।